संदीप रेड्डी वांगा जिन्होंने 36 एकड़ जमीन बेच दी सिर्फ इस फिल्म को बनाने के लिए। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा संदीप रेड्डी वांगा की मूवी बहुत ज्यादा वायलेंट होती है और बहुत ज्यादा डार्क होती है। इसका भी बहुत बड़ा कारण है और काला सच है। देखो संदीप रेड्डी वांगा के फैमिली में कोई भी दूर दूर तक सिनेमा से कोई मतलब नहीं, लेकिन उनको पैशन था, इसी की वजह से उन्होंने फिल्म मेकिंग सीखा। उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और उसके बाद 7 सालों तक प्रोड्यूसर के आगे पीछे घूमते रहे अपनी स्क्रिप्ट लेकर, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर उनके ऊपर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। फिर तैयार होने के बाद भी वो लोग मना कर देते, इतनी प्रॉब्लम्स की वजह से वो डिप्रेशन में चलेगा, और इसी का उन्होंने अपने मूवीज के स्क्रिप्ट में निकाला। तब जाके तैयार हुई उनकी अर्जुन रेड्डी की स्क्रिप्ट। कबीर सिंह जो मूवी है वो इसी मूवी का रीमेक है, लेकिन उसमें भी सेम कहानी, प्रोड्यूसर्स पहले हाँ करते थे उसके बाद ना कर देते थे। यही सेम प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने 36 एकड़ आम का बगीचा बेच दिया, उसका पैसा मिला 1.6 करोड़। उसी से उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था अर्जुन रेड्डी, और उसके बाद ये फिल्म रिलीज होने के बाद अपने बजट से 50 गुना ज्यादा पैसे कमाई, यानी 55 करोड़ रुपए कमाई। आज से 6 साल पहले अर्जुन रेड्डी वांगा नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में, सोच सकते हो। और उसके बाद इनको मौका मिला, टी सीरीज भूषण कुमार ने बोला कि इस मूवी का मेरे को रीमेक करना है। फिर एंट्री हुई कबीर सिंह की, और उसके बाद तो सबको पता है क्या हुआ। प्रभास जो कि बाहुबली 2 से बड़े स्टार बन गए थे, उनकी वो मूवी जो आई थी साहो, उसको भी पीछे छोड़ के कबीर सिंह आगे निकल गई कमाई के मामले में। फिर लोग बोलने लगे कि बहुत ज्यादा वायलेंट मूवी है, ये किसी को नहीं देखनी चाहिए। तभी इनका एक स्टेटमेंट आता है, लोग इसको वायलेंट फिल्म बोल रहे हैं तो मैं दिखाऊंगा वायलेंट फिल्म क्या होती है। और उसके बाद तो सबको पता है कि एनिमल ने क्या किया। देखो इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे कि एनिमल में आपने देखा होगा वो बोलते हैं कि मेरा जूता चाटो, उसको तो मेरे को भी बहुत ही खराब लगा देख के उस चीज को। लेकिन इनकी जो भी मूवीज होती है उससे इमोशन लोगों का कनेक्ट करते हैं, जो भी जैसे कि एनिमल में क्लाइमेक्स में आपने देखा होगा, मतलब पूरे मूवी में लड़ाई चल रहा है लेकिन लास्ट में आके सब इमोशनल कर देते हैं, जहां पे रणविजय रोने लगता है। लेकिन एनिमल देखने के बाद जो भी रणविजय को अपना रोल मॉडल मानते हैं, सबसे पहले आप याद रखें सिनेमा और रियल लाइफ बिल्कुल अलग है, और सिनेमा आपको सिर्फ एंटरटेन करने के लिए। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिससे हमको सीखना चाहिए, जैसे कि 12th फेल हो गई, लेकिन रणबीर जो एनिमल मूवी बनाई गई है उसको ये नहीं कि आप उस चीज को फॉलो करने लगे, उस चीज के लिए नहीं, एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया है। यही है संदीप रेड्डी वांगा और यही है उनकी सोच। एनिमल मूवी सब एंटरटेन ही नहीं हुए, उस चीज को एक्सपीरियंस भी किए हैं। और आप लोग संदीप रेड्डी वांगा को लेकर क्या सोचते हैं प्लीज कॉमेंट्स में बताइएगा।